हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सेल में और आगे बढ़ते हुए एडिट मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। एडिट मेन्यू का कोई भी ऑप्शन चलाने से पहले हम सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहेंगे कि जो फाइल आपने पहले एक बना रखी थी, आप उस फाइल को अपने अपने सिस्टम पर ऑन कर लें। तो उसके लिए हमें फाइल मेन्यू पर क्लिक करके ओपन के ऑप्शन पर जाएंगे और ओपन में हमारी फ़ाइल जहाँ पर भी सेव होगी उस पर क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर लेंगे। तो हमारे सामने हमने जो मार्कशीट पहले क्रिएट करना सिखाई थी वो मार्कशीट खुल करके आ गई। तो अब हम एडिट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। हमने जैसे ही एडिट मेन्यू पर क्लिक करा वैसे ही हमारे सामने कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है अंडू। हम अंडू का काम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब हमने आपको यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ाए थे तब हमने आपको अंडू का काम सिखाया था। तो अभी ऑप्शन यहाँ पर रिपीट किया हुआ है, इसलिए हम एक बार फिर आपको ये ऑप्शन रिपीट करवा देते हैं। अंडू का काम होता है बैक जाना, यानी पीछे की तरफ जाना। मान लीजिए हमने यहाँ पर 75 की जगह 65 मार्क्स कर दिए। 65 मार्क्स करने के बाद कुछ टाइम बाद हमें लगा, या हमने जब इस मार्कशीट को दूसरी शीट के साथ पैरी किया तब हमें पता चला कि यहाँ पर 75 मार्क्स ही थे। तो हम एडिट मेन्यू पर वापस जा कर के अंडू पर क्लिक करेंगे तो वापस वही मार्क्स आ जाएंगे जो हमने पहले लिखे हुए थे। या हम यूँ समझ सकते हैं कि एडिट मेन्यू से पिछले के ऑप्शंस बैक आ जाएंगे। उसी के बाद अगला ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है वो है रिपीट या रीडू का ऑप्शन। अगर हमें लग रहा है कि नहीं 75 गलत है, 65 ही होना चाहिए, तो हम फिर से इसको यहाँ से आके रीडू कर सकते हैं। तो अंडू हमें पीछे की तरफ ले जाता है और रीडू हमें आगे की तरफ ले जाता है। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड, ये आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। CTRL प्लस जेड फॉर अंडू, यानी कि पीछे जाने के लिए, और CTRL प्लस वाई फॉर रीडू, यानी कि आगे जाने के लिए। तो हम चाहें तो डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज़ करके कंट्रोल जेड से पीछे जा सकते हैं और कंट्रोल वाई से हम आगे जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन एडिट मेन्यू में आ रहा है वो है कट। कट का काम होता है मैटर को कट करना। मान लीजिए हमने यहाँ से इन दो स्टूडेंट्स या इन चार स्टूडेंट्स को हटा करके किसी दूसरी जगह पर प्लेस करवाना है, तो हमने इन सब का सिलेक्शन ले लिया और सिलेक्शन लेने के बाद एडिट मेन्यू पर वापस क्लिक करा और कट का ऑप्शन इस्तेमाल किया। जैसे ही हमने कट पर क्लिक करा यहाँ पर सिलेक्शन दिखाने लगेगा और इस कट करे हुए पोर्शन को हमने यहाँ पर रख के एडिट मेन्यू पर वापस आ करके पेस्ट का ऑप्शन क्लिक किया। तो कट के थ्रू वो जो मैटर हमने पर चार रोज को सेलेक्ट किया था वो कट गया और पेस्ट के थ्रू जहाँ हमने कर्सर रखा था वहाँ पर पेस्ट हो गया। अब मान लीजिए इन्हीं मैटर को हमें यहाँ पर भी देखना है और ऊपर भी देखना है, तो वापस फिर से सेलेक्ट करेंगे, एडिट पर आएंगे और कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के बाद हमें इस तरीके से यहाँ पर शो करेगा सिलेक्शन और वापस कर्सर ऊपर रख के पेस्ट करा देंगे। तो कट के थ्रू जब हम ऑप्शन यूज़ करेंगे तो मैटर हमने जो भी सेलेक्ट किया होगा वो कट हो जाएगा। कॉपी के थ्रू मैटर अपनी डेस्टिनेशन पे भी रहता है और सोर्स पर भी चला जाता है, और पेस्ट के थ्रू हमें जहाँ पर भी रखना है वहाँ पर हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारे सामने खुल रहा है वो है
ऑफिस क्लिपबोर्ड बताने से पहले हम कट कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, अंडू की कंट्रोल जेड, रीडू की कंट्रोल वाई, कट की शॉर्टकट की होती है CTRL+X। कॉपी की CTRL+C और पेस्ट के लिए CTRL+B। तो जब हमें किसी मैटर को कट करना होगा तो हम Ctrl+X यूज कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेस्ट कराने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये सारी शॉर्टकट कीज अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी के बाद हम आगे ऑप्शन पर पहुँचते हैं जो हमने बताया था, ऑफिस क्लिपबोर्ड को जैसे ही हम ऑन करेंगे हमारे सामने ये इस तरीके से खुल जाएगा। ऑफिस क्लिपबोर्ड का बेसिकली काम ये होता है कि हमने जितनी भी चीज़ें कॉपी या कट करी होती हैं उन सबको दिखाता है। तो जैसे हमने यहाँ से ये तीन नाम रोहित, मोहन और ललित, इनको कॉपी कर लिया। तो जैसे ही हमने कॉपी किया वो यहाँ पर हमें क्लिपबोर्ड पर शो करने लगेगा। अब मान लीजिए हमने कुछ मार्क्स का सिलेक्शन लिया और इसको कॉपी कर दिया। इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कॉपी कर लिया। तो हम जितनी भी चीज़ें कॉपी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ लिस्ट में ऐड होती जा रही हैं। अब शीट 2 पर कर्सर रखा और इसमें से जो भी चीज़ हमें पेस्ट करवानी है उस पर हमने क्लिक करा और वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए हमें मार्क्स पेस्ट कराने हैं तो हमने मार्क्स का सिलेक्शन ले लिया। तो इस तरीके से हमने पिछले जितने भी कॉपी किए होंगे मैटर्स वो सारे आपके क्लिपबोर्ड पर शो कराता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पेस्ट करानी है तो आप यहाँ पर आके पेस्ट ऑल का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक कॉपी करी होंगी वो सारी चीज़ें आपकी शीट पर पेस्ट हो जाएंगी। एक एक करके कराना है तो आप कर्सर रख के एक एक करके पेस्ट करा सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी पेस्ट नहीं कराना है तो आप शीट में से डिलीट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से क्लियर ऑल का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लियर ऑल पर क्लिक करा यहाँ से जितना भी आपने पिछला कॉपी किया था वो सब हट जाएगा। तो इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है, वो है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए सभी स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे कि अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल करके इसको नोट कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन और बहुत ही टफ ऑप्शन होता है। पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, कट और कॉपी का ऑप्शन जब इस्तेमाल करेंगे तभी पेस्ट के ऑप्शन चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी हमने मैटर को कट या कॉपी नहीं किया है। तो अभी पेस्ट स्पेशल को चलाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इस मैटर को कॉपी करना होगा। तो मैटर को कॉपी करने से पहले हम मैटर पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि हमने शीट का सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद हमने इस पे बॉर्डर अप्लाई कर दिए, बैकग्राउंड कलर हमने इस पे फिल कर दिया और टेक्स्ट का कलर फिल कर दिया। उसके बाद अब हमने इसका सिलेक्शन लिया और इसको हमने कर लिया कॉपी। जैसे ही हमने कॉपी किया देखिए क्लिपबोर्ड पर हमारे चीज़ें दिखाने लगा जो हमने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पर। पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन चलाने से पहले हमें कर्सर उस डेस्टिनेशन पर रखना होगा जहाँ पर हमें मैटर को पेस्ट करवाना है। तो मैं पिछला रिमूव करके
कर्सर यहाँ पर प्लेस करवा लिया। एडिट पर आए और पहले कॉपी किया, कर्सर प्लेस किया, एडिट पर आ करके पेस्ट स्पेशल पर क्लिक किया, तो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर ऑल। ऑल पर क्लिक करके जैसे ही हमने ओके किया, वैसे जितना हमने कॉपी किया था वैसे पूरा ही नीचे प्लेस हो जाएगा। तो ऑल का ऑप्शन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑल के ऑप्शन से हमने जैसा कॉपी किया है वैसा पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने है फॉर्मूला। फॉर्मूला चलाने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर एक टोटल का फॉर्मूला लगा लिया, और बाकी सारे फॉर्मूलों को हमने रिमूव कर दिया। तो एक फॉर्मूला जो हमने लगाया था, हमने उस फॉर्मूले को राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया और नीचे की तरफ हमने सारे सेल्स का सिलेक्शन ले लिया। जैसे ही हमने सिलेक्शन लिया, एडिट पर आए और पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पर आकर हमने फॉर्मूले का ऑप्शन इस्तेमाल किया, क्योंकि हम ऊपर एक फार्मूला पहले लगा चुके थे और हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके बार बार फार्मूला लगाने से बच सकते हैं। फार्मूले पर हमने क्लिक करके जैसे ही ओके किया तो फार्मूला हमारी शीट पर अप्लाई हो जाएगा। कुछ एरर्स आई हैं यहाँ पर जिसमें फार्मूला नहीं प्लेस हो पाया है, तो इन एरर्स को अगर हम चाहें तो यहाँ फार्मूला बार से चेक करके भी देख सकते हैं। तो फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है फॉर्मूला प्लेस कराना। तो फॉर्मूले से हम बार बार फॉर्मूला लगाने से बच सकते हैं और हमारा काम भी इजी हो सकता है। फिर एडिट में हम पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करके अगला ऑप्शन चेक करते हैं, जो कि है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का काम होता है सिर्फ वैल्यूज़ को प्लेस कराना। मान लीजिए हमने इतने मैटर का सिलेक्शन लिया और इसको कॉपी किया, जैसे ही कॉपी किया नीचे की तरफ हमने कर्सर रखा, एडिट पर आए और पेस्ट स्पेशल पर आकर हमने वैल्यूज़ का ऑप्शन इस्तेमाल किया। वैल्यूज़ पर जैसे ही हमने क्लिक करके ओके किया तो हमने ऊपर जो भी मैटर कॉपी किया था उसकी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, सिर्फ जो हमने मैटर टाइप किया है वही मैटर पेस्ट हो जाएगा। तो वैल्यूज़ का इस्तेमाल जब हम करते हैं तब कोई भी फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं होती है। इसी के बाद पेस्ट स्पेशल में ही अगला ऑप्शन है फॉर्मेट। मान लीजिए अगर हमने फॉर्मेट पर क्लिक करके पेस्ट कराया तो सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी, कोई भी मैटर नहीं आएगा। तो अगर हम इस पे मैटर पर करते हैं तो उसी फॉर्मेटिंग पर होगा जिस फॉर्मेटिंग पर हमने ऊपर कॉपी किया था। तो पेस्ट स्पेशल में अभी जो हमने ऑप्शंस पढ़े हैं वो था ऑल। ऑल का इस्तेमाल करके हम सारे चीज़ों को एक साथ प्लेस या पेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद जो हमने ऑप्शन पढ़ा था वो था फॉर्मूला। फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमने जो पहले फॉर्मूला लगा रखा है उसी फॉर्मूले को हम दोबारा नीचे या लेफ्ट या राइट जहां पर भी हम प्लेस कराना चाहते हैं वहां पर प्लेस करा सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारा है वो है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमने जो भी मैटर फॉर्मेटिंग का था उसकी कॉपी करी थी उसमें से सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, सिर्फ हमारी वैल्यूज़ ही पेस्ट होंगी। अगला ऑप्शन था फॉर्मेट। फॉर्मेट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मेट से हमारे सिर्फ फॉर्मेटिंग ही पेस्ट होगी और कुछ भी पेस्ट नहीं होगा। इसी के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वो ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है वो होगा ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। अब हमने इस पे कुछ बॉर्डर्स भी लगाए थे, तो मान लीजिए हमने यहाँ से इन सेल्स को राइट क्लिक करके कॉपी किया, नेक्स्ट शीट पर मूव करा, एडिट पर आए और
पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे आके हमने यहाँ से इस्तेमाल किया ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया और ओके किया तो हमारे सामने जो शीट पेस्ट होकर के आएगी उसमें बॉर्डर नहीं आएगा, तो बिना बॉर्डर के ये शीट पेस्ट होगी। कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करके हमने बैक किया और शीट वन पर आके आगे का जो ऑप्शन है वो है कॉलम विड। कॉलम विड के लिए हमने एक खाली शीट का सिलेक्शन ले लिया। मान लीजिए हमने इस सेल की विड को कम कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि जितनी विड इस सेल की है उतनी ही विड बाकी सारे सेल्स की भी हो जाए, तो हमने इस खाली सेल को राइट क्लिक करा और कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने उन सारे सेल्स का सिलेक्शन ले लिया उन जिनका हमें विड कम करना था। एडिट मेन्यू पर क्लिक करा और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे आके कॉलम विड हमने चूज किया। जैसे ही हमने ओके किया वैसे ही हमारे सारे कॉलम्स की विड कम हो जाएगी। मान लीजिए हमने कॉलम की विड को बढ़ा दिया और फिर कॉपी किया, और अब अगर हम सेल्स का सिलेक्शन लेते हैं, एडिट पर आते हैं और कॉलम विड का इस्तेमाल करते हैं तो सारे सेल्स की विड बढ़ जाएगी। तो बेसिकली हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉलम विड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें सारे कॉलम्स की विड एक बराबर करनी होती है। उसी के बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स प्लेस करा है जैसे 45 और 96। मान लीजिए हमें इन दोनों सेल्स को आपस में जोड़ना है तो एक सेल पे कर्सर रख के इसको कॉपी कर लेंगे, एडिट पर आएंगे, पेस्ट स्पेशल और ऐड, ओके करेंगे तो वो दोनों नंबर्स यानी 45 + 45 हमारा ऐड हो जाएगा, उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर देगा। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने कंट्रोल जेड से बैक किया, हमने 45 को कॉपी किया और कर्सर रख दिया 96 पर, एडिट पर आए, पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पर ऐड किया और ओके, तो 45 + 96 = 141। तो हम दो नंबर्स को आपस में ऐड करा सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमने एक नंबर और प्लेस कराया और 141 को कॉपी कर लिया और नीचे की तरफ कर्सर रखा जहां हमने 25 लिखा था, एडिट पर क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे आए और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने छोटी वैल्यू पर कर्सर रखा था इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव में शो करेगा और 25 में से 141 लेस होंगे तो हमारे पास 116 माइनस यानी कि नेगेटिव के बचेंगे। उसी के बाद मान लीजिए हमने 25 और 45 को मल्टीप्लाई करना है तो 25 को हमने कॉपी किया, कर्सर रखा 45 वाले सेल पर, एडिट पर आए, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन इस्तेमाल किया और मल्टीप्लाई यूज़ किया। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया, ओके किया, तो 25 × 45 = 1125। इस तरीके का आंसर हमारे सामने मल्टीप्लाई हो करके आ जाएगा। मान लीजिए अब हमें डिवीजन करना है तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू दे दी 5, इसको कॉपी किया और कर्सर हमने यहाँ पर रख के एडिट पर आके पेस्ट स्पेशल पर डिवाइड का ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया 1125 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर हमें मिलेगा 225। तो पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन
के थ्रू हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना भी सीखा। उसके बाद के जो लास्ट के दो ऑप्शन हैं वो हैं स्किप ब्लैंक्स एंड ट्रांसपोज। इसका क्या काम होता है? मान लीजिए अभी हमने इस शीट में से कुछ चीज़ें डिलीट कर दी या कुछ मार्क्स हमने डिलीट कर दिए, और अब इसको कॉपी किया। थर्ड शीट पे हमने कर्सर रखा। एडिट पर पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हुए जब हमने स्किप ब्लैंक का ऑप्शन यूज़ किया तो हमने जितने भी सेल्स का सिलेक्शन लिया है उसमें से ब्लैंक सेल्स की जो भी फॉर्मेटिंग है वो कॉपी होकर के नहीं आएगी। ओके करने पर यहाँ पर इस तरीके से जहाँ हमने ब्लैंक किए थे सेल्स वो सारे सेल्स हमारे छूट जाएंगे। कंट्रोल जेड से या अंडू का ऑप्शन इस्तेमाल करके हमने बैक किया और शीट टू पर भी हमने यहाँ पर ऑप्शंस बैक किए। अब हमने फिर से सिलेक्शन लिया, कॉपी किया, शीट थ्री पर आए, कर्सर प्लेस कराया, एडिट पर पेस्ट स्पेशल में हमने इस्तेमाल किया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हेडिंग्स को पलट देता है, यानी कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देगा। ओके करेंगे तो रोल नंबर जो हमारे वर्टिकल में आ रहे थे वो सारे हमारे हॉरिजेंटल में पहुंच गए, और नेम जो हमारे वर्टिकल आ रहे थे वो भी हॉरिजेंटल में आ गए। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीज़ें वर्टिकल थीं वो हॉरिजेंटल हो गई, और जो चीज़ें हॉरिजेंटल यानी सब्जेक्ट्स जो हमारे हॉरिजेंटल आ रहे थे वो सारे वर्टिकल में आ गए। तो ट्रांसपोज का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर हेडिंग्स को पलट सकते हैं या हेडिंग को ट्रांसपोज करा सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में हमने यहाँ पर ऑल फॉर्मूला वैल्यूज फॉर्मेट और नीचे के कई सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, कॉलम वेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें करनी सीखी। तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन बहुत प्रॉपरली चलाने के बाद हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जब हम एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा फिल। फिल का बेसिकली काम होता है फिलिंग करना। अभी हम इस शीट को खाली कर लेते हैं, हमने मैटर डिलीट कर दिया। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 1 और यही नंबर हमें नीचे यहाँ तक भरना है। तो हमने इस नंबर का सिलेक्शन लिया और इसी से रिलेटेड जहाँ तक हमें भरना था वहाँ तक हमने सेल्स सेलेक्ट कर लिए। एडिट मेन्यू पर क्लिक करा और फिल के ऑप्शन पर आ गए। फिल में सबसे पहला ऑप्शन है डाउन। डाउन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वही वैल्यू हमारी जो हमने ऊपर लिखी थी वही वैल्यू डाउन की तरफ फिल हो जाएगी, यानी नीचे की तरफ वही वैल्यू आ जाएगी। अब मान लीजिए यही वैल्यू हमें ऊपर भरनी है तो हमने कर्सर रखा और ऊपर की तरफ सिलेक्शन ले लिया। एडिट पर आए, फिल के ऑप्शन पे हमने चूज कर लिया अप, तो हमारी वही वैल्यू ऊपर की तरफ भर जाएगी। और यही वैल्यू अगर आपको राइट साइड भरनी है तो आपने राइट साइड सिलेक्शन लिया, एडिट पर आए और फिल पर राइट, तो वही वैल्यू हमारे राइट साइड वाले सेल्स पर फिल हो जाएगी। इसी के बाद अगर हमें ये वैल्यू लेफ्ट साइड फिल करनी है तो हमने लेफ्ट का सिलेक्शन लिया, एडिट पर फिल लेफ्ट, तो यही चीज़ हमारी लेफ्ट साइड फिल हो जाएगी। तो फिल में ऑप्शन से हम चीज़ों को फिल करा सकते हैं, जैसे हमने अप डाउन लेफ्ट और राइट चीज़ें या नंबर्स को हम फिल करा सकते हैं। इसी के बाद अगला ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है वो है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट अभी हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो
इसको समझने के लिए हम पहले अपनी शीट को खाली कर लेते हैं। शीट 3 को भी खाली किया और शीट 2 पर आ गए। शीट 2 पर हमने कुछ पहले फॉर्मेटिंग करना आपको जो सिखाया था वही ऑप्शन यहाँ पर है, या वही शीट हमारे सामने पड़ी हुई है, हम इस पर सिलेक्शन ले लेते हैं। जैसे ही हमने सिलेक्शन लिया अब हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। शिफ्ट की प्रेस करते हुए हम शीट 3 पर क्लिक करेंगे। जब हम शीट 3 पर क्लिक करेंगे तो शीट 2 और शीट 3 शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर ये ग्रुप में हो गई। हम चाहें तो ऊपर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रुप दिखा रहा है, इट मीन्स हमारी दो शीट्स ग्रुप में हो गई हैं। जब दो शीट्स हमारी ग्रुप में होंगी तभी एडिट मेन्यू का अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन हाईलाइट करेगा। अब अक्रॉस वर्कशीट चलाने के लिए हमने शीट का सिलेक्शन लिया, एडिट पर आए, फिल का ऑप्शन और अक्रॉस वर्कशीट पर हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक किया हमारे सामने तीन ऑप्शंस खुलेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है ऑल, कंटेंट और फॉर्मेट। अगर हमें पूरी ये शीट ऐसे ही मूव करानी है जैसी सामने दिख रही है तो हम ऑल लगा के ओके करेंगे और शीट 3 पर चेक करेंगे तो शीट पूरी वैसे ही मूव हो जाएगी जैसी शीट 2 पर आ रही थी। कंट्रोल जेड से बैक किया, फिर एडिट के ऑप्शन पर अक्रॉस वर्कशीट का अगला ऑप्शन यानी कंटेंट अगर हम इस्तेमाल करते हैं और ओके करते हैं तो शीट 3 पर सिर्फ मैटर यानी कि सिर्फ जो हमने टाइप किया था वो आएगा, किसी भी तरीके की कोई फॉर्मेटिंग प्लेस नहीं होगी। कंट्रोल जेड से बैक, एडिट पर आए, फिल अक्रॉस वर्कशीट और फॉर्मेट और ओके किया तो शीट 3 पर सिर्फ फॉर्मेटिंग आएगी, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी मैटर प्लेस नहीं होगा। तो कंट्रोल सेट से बैक करके हम वापस अपनी शीट पर आ गए। एडिट मेन्यू के क्रॉस वर्कशीट ऑप्शन से हमने ऑल मैटर यानी पूरा मैटर मूव कराना सीखा, कंटेंट यानी कि सिर्फ अगर हमें मैटर मूव कराना है, कोई फॉर्मेटिंग मूव नहीं करानी है तो हम कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे, या हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग मूव करानी है तो हम फॉर्मेट्स का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि अक्रॉस वर्कशीट तभी हाईलाइट होगा जब हम दो शीट्स को ग्रुप में करेंगे, और ग्रुप में करने के लिए शिफ्ट के साथ सिलेक्शन लेना होगा। अब ये दोनों शीट्स ग्रुप में हैं, इनको अगर हमें वापस अनग्रुप करना है तो इस शीट पर माउस का राइट क्लिक प्रेस करिए और सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है अनग्रुप शीट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी शीट अनग्रुप हो जाएगी और हमारे फाइल के नेम के साथ जो ग्रुप ऐड हुआ था वो भी हट जाएगा। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो है सीरीज। सीरीज में भी हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे तो वन बाय वन हम इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन इसमें जो आ रहा है वो है रोज और कॉलम्स। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको रो वाइज वर्किंग करनी है या कॉलम वाइज वर्किंग करनी है। तो इसमें हम सबसे पहला ऑप्शन जो पढ़ेंगे वो होगा लीनियर और रो वाइज। लीनियर का काम करने के लिए अभी हमने इस ऑप्शन को बंद किया और यहाँ पर एक सीरियल नंबर डाल दिया 1 और 2। जैसे ही हमने 1 और 2 डाला और दोनों का सिलेक्शन लिया और नीचे तक पूरी शीट सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद एडिट पर आए, फिल में सीरीज का ऑप्शन इस्तेमाल किया। जैसे ही हमने सीरीज पर क्लिक करा लीनियर पर आकर और हमसे यहाँ पर एक स्टॉप वैल्यू पूछेगा। स्टेप वैल्यू में 1 लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर 1 दिया था।
स्टॉप वैल्यू, आपको ये नंबर कहाँ पे जाके स्टॉप करने हैं वो वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया 12, जैसे ही हमने 12 पर ओके किया, ये वैल्यू हमारी 12 तक फिल करा देगी। तो सीरीज़ के थ्रू हम एक नंबर की सीरीज़ को फॉलो करा सकते हैं और जो वैल्यू हमने डाली उस वैल्यू पर जाकर नंबर स्टॉप कर देगा। इसी के बाद सीरीज़ में अगला ऑप्शन आता है ग्रोथ। ग्रोथ का काम होता है मल्टीप्लिकेशन करना। मान लीजिए हमने दो की एक सीरीज़ दे दी, 2 और 4, से 2 बनता 2 एंड 2 2 सा 4। अब इसी की टेबल अगर हमें आगे कंटिन्यू करानी है तो 2 और 4 दोनों का सिलेक्शन लेते हुए आगे के सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। एडिट पर, फिल के ऑप्शन पर हम सीरीज़ के ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ से ग्रोथ का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हमने ग्रोथ पर क्लिक किया और ओके किया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, इस तरीके से 2 के मल्टीप्लिकेशंस आ जाएंगे हमारे सामने। तो हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक इन नंबर्स को देख सकते हैं। अगला ऑप्शन सीरीज़ में जो आता है वो होगा हमारे सामने डेट। डेट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इसके 4 ऑप्शंस हाईलाइट होंगे। तो इन चारों ऑप्शंस को चलाने के लिए हम 1 बाय 1 4 सेल्स पर डेट डाल लेंगे। मान लीजिए हमने डेट डाल दी, और यही डेट हमने सारे सेल्स पर डाल दी। सारे सेल का मतलब यहाँ से 4 सेल पर होगा, क्योंकि 4 सेल पर हमें डेट का ऑप्शन चलाना होगा। इस पे हमने क्लिक किया और नीचे के सेल का सिलेक्शन ले लिया। एडिट पर क्लिक किया, फिल के ऑप्शन से सीरीज पर क्लिक करते हुए डे का ऑप्शन इस्तेमाल किया। डे पर जैसे ही हम क्लिक करके ओके करते हैं तो हमारे सामने डेट्स चेंज होकर के आ जाएंगी, जिसमें 2 के बाद 3, 4, 5, 6 डेट्स चेंज होंगी। मंथ सेम रहेंगे और ईयर भी सेम रहेगा। इसी के बाद अगली डेट का सिलेक्शन लेते हैं। एडिट पर क्लिक किया, फिल पर सीरीज़ के ऑप्शन में आकर के हमने चूज़ किया वीक डे। वीक डे पर हम जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे तो 2 के बाद 4 और उसके बाद अगर हम नीचे की सीरीज चेक करें तो 9 और 10 नहीं आ रहा है। वीक डे में बेसिकली ये होता है कि जो हमारे वर्किंग डेज होते हैं, इट मींस मंडे टू फ्राइडे को ही ये काउंट करता है, सैटरडे और संडे काउंट नहीं करता है। तो 2 को सैटरडे था तो ये तो हमने टाइप किया था इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन 3 को संडे था इस वजह से यहाँ पर इसने 3 की डेट को स्किप कर दिया। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि 9 और 10 की डेट भी नहीं आ रही है, इट मींस 9 को सैटरडे और 10 को संडे रहा होगा, इस वजह से हमारी इन सीरीज़ में वो डेज काउंट नहीं हो रहे हैं। तो वीक डे में जब भी हम करेंगे तो मंडे टू फ्राइडे की डेट्स शो करेगा, सैटरडे और संडे की डेट्स शो नहीं करेगा। अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो है मंथ। मंथ पे हमने क्लिक किया तो डेट्स और ईयर सेम रहेंगे, मंथ चेंज होंगे। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब दिसंबर के बाद ईयर चेंज हो जाएगा तो इस वजह से यहाँ पे 16 के बाद 2017 प्लेस हो गया है। फिर सिलेक्शन लिया, एडिट पर, फिल, सीरीज एंड ईयर, ओके। तो
सिर्फ ईयर चेंज होंगे, डेट और मंथ सेम रहेंगी। जितने भी ईयर्स होंगे, जितने सिलेक्शन हमने लिया होगा, उन सब में ईयर्स चेंज हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंगली हम जैसे चाहें वैसे अपनी डेट की सीरीज़ को फॉलो करा सकते हैं। अगर हमें केवल डेट चेंज करानी है तो हम डेट चेंज करा सकते हैं, मंथ चेंज कराना है तो हम मंथ चेंज करा सकते हैं, ईयर चेंज कराना है तो हम ईयर चेंज करा सकते हैं। और अगर वीकडे का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो मंडे टू फ्राइडे तक कौन कौन सी डेट्स पड़ी वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो सीरीज़ के ऑप्शन में हमने जो ऑप्शन पढ़ा वो यहाँ पर ये ऑप्शंस थे, जिसमें लीनियर, ग्रोथ, डेट, तीन ऑप्शंस हमने पढ़े। अगला ऑप्शन जो हम बताने जा रहे हैं वो है ऑटोफिल। ऑटोफिल और लीनियर में एक डिफरेंस होता है। अगर हम लीनियर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हमने यहाँ पर आपको एक स्टॉप वैल्यू प्लेस करना सिखाया कि आप एक स्टॉप वैल्यू डाल देंगे तो वो वहाँ पर जाकर नंबर स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर हम ऑटोफिल इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोफिल के थ्रू जितना हमने सिलेक्शन लिया होगा उन सब में नंबर फिल कर देगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 और 2 प्लेस किया, अभी ये डेट की सीरीज फॉलो कर रहा है। मान लीजिए हम यहीं पर चला लेते हैं, 1 और 2 डाला हमने और नीचे की सीरीज़ को हमने डिलीट कर दिया। सिलेक्शन लिया, एडिट पर फिल सीरीज़ और ऑटोफिल का इस्तेमाल करा और ओके किया, तो हमसे कोई स्टॉप वैल्यू नहीं पूछेगा और वो नंबर वहाँ तक फिल करा देगा। तो इस तरीके से हमने नंबर की सीरीज़ को फॉलो करना सीखा। फिल में राइट अप, डाउन और लेफ्ट अक्रॉस वर्कशीट सीरीज पढ़ने के बाद हमारे सामने आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए हम यहाँ से किसी एक सेल पर अलग अलग सेल्स पर टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा ई, एंटर, डी, जी और ई, एज लिखा। अब हमने इन सब का सिलेक्शन लिया, एडिट पर आए, फिल, जस्टिफाई, तो नंबर अल्फ़ाबेट्स जो हमने अलग अलग सेल्स पे लिखे थे वो सारे जस्टिफाई होकर के एक ही में आ जाएंगे। फिर अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है क्लियर। मान लीजिए हमने शीट 2 पर क्लिक करा और सेल्स का यानी शीट का जो हमने बना रखी थी उसका सिलेक्शन लिया, एडिट पर हमने क्लिक करा और सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है क्लियर ऑल। अगर हम क्लियर के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए ऑल पर क्लिक कर देते हैं तो हमने जितना भी सिलेक्शन लिया है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड से बैक किया, एडिट पर आए, फिल पर क्लियर का ऑप्शन में फॉर्मेट पे हमने क्लिक किया तो सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर होगी, हमारा मैटर वैसे ही रहेगा। फिर कंट्रोल सेट से बैक किया, एडिट पर आए, क्लियर कंटेंट, अगर हम मैटर डिलीट करना चाहते हैं तो हमने मैटर डिलीट कर दिया और हमारे सामने फॉर्मेटिंग सेम एज रहेगी। तो क्लियर में हमने 3 ऑप्शन सीखे, जिसमें हमने ऑल अगर इस्तेमाल किया तो हमारा सारा मैटर डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं तो केवल फॉर्मेटिंग डिलीट होगी, कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ मैटर डिलीट होगा। फिर उसके बाद हमारे सामने आता है डिलीट। मान लीजिए हमने ललित पर कर्सर रखा, एडिट के ऑप्शन में आ गए हम डिलीट पर। डिलीट अगर एंटायर रो करते हैं और ओके करते हैं तो वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी जो वहाँ पर आ रही थी। तो ललित से रिलेटेड जितना भी काम था वो पूरी रो को डिलीट कर देगा। कंट्रोल जेड से बैक करके हम वापस आ गए और मान लीजिए हमें ये नेम वाला पूरा कॉलम रिमूव करना है तो एडिट पर आकर हम डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए एंटायर कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। टायर कॉलम पर क्लिक करके ओके किया तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो
हो जाएगा। फिर कंट्रोल सेट से हमने बैक किया। फिर अगला ऑप्शन आता है डिलीट शीट। डिलीट शीट, अभी हमने कॉलम्स और रोज़ डिलीट करने सीखे। अगर हम डिलीट कॉलम और रोज़ को बैक करते हैं यानी अंडू का इस्तेमाल करते हैं तो हम वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर हमने शीट को डिलीट कर दिया तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी शीट को रिमूव करें तो सोच समझ के रिमूव करें कि आपको शीट रिमूव कर देंगे तो वापस नहीं आएगी। मान लीजिए हमने थर्ड शीट पे कर्सर रखा और एडिट पर आके डिलीट शीट का ऑप्शन इस्तेमाल किया, पूछेगा आपको डिलीट करना है, आप श्योर हैं? आपने कहा यस, तो थर्ड शीट डिलीट हो गई और अब ये शीट कंट्रोल जेड करने पर भी वापस नहीं आएगी। फिर एडिट के ऑप्शन पर आता है मूव और कॉपी। मान लीजिए आपने जो मैटर का सिलेक्शन लिया है उसको आपको मूव कराना है, तो आपने सेलेक्ट किया, एडिट पर आए और मूव और कॉपी का ऑप्शन इस्तेमाल किया। जैसे ही हमने मूव और कॉपी पर क्लिक किया तो आपने कहा हमें मूव कराना है। कहाँ पर मूव कराना है? इस शीट को एंड पर मूव कराना है। और आपने किया क्रिएट अ कॉपी ऑन और ओके, तो शीट टू की सेम एज कॉपी एक और शीट हमारे सामने आ जाएगी। तो मूव और कॉपी से हम अपनी शीट का मैटर या शीट को मूव कराते हुए उसकी एक और कॉपी बना सकते हैं। इसी के बाद अगला ऑप्शन आता है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले भी इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर एक बार रिवीजन करवा देते हैं इन ऑप्शंस का। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइंड। फाइंड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो देना होगा। जैसे हमने कहा प्रिया, पी आर आई वाई ए और फाइंड नेक्स्ट, तो जहाँ पर भी प्रिया लिखा था वहाँ पर कर्सर हमारा पहुँचा देता है। तो फाइंड के थ्रू हम मैटर को या नंबर्स को फाइंड करा सकते हैं। इसी के बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है रिप्लेस। रिप्लेस पर हम क्लिक करते हैं तो हमने कहा प्रिया का नाम रिप्लेस करना है हमें और प्रिया की जगह हमें रिया का नाम करना है। तो प्रिया ऊपर जहाँ फाइंड लिखा हुआ है वहाँ पर हमने प्रिया लिखा और रिया नीचे जिस नाम से हमें रिप्लेस कराना है वो डाल देंगे रिया और रिप्लेस। तो प्रिया का नाम हटके रिया का नाम रिप्लेस हो गया। इसी के बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है गो टू। गो टू का इस्तेमाल हम किसी भी सेल पर जाने के लिए करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर प्रेस किया ए 8 और ओके, तो ए और 8 जहाँ पर भी हमारा हमने जो सेल डाला था वहाँ पर डायरेक्टली हमें पहुँचा देगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर गो टू पे आके डाल दिया जे 78 और ओके, तो जे 78 डायरेक्टली हमें उसी सेल पर पहुंचा देगा। और फिर से हमें वापस वहीं जाना है तो फिर से गो टू पर ए 1 किया ओके और पहले सेल पर हमें पहुंचा दिया। तो फाइंड, रिप्लेस और गो टू, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना और गो टू से हम कहीं पर सेल पर जा सकते हैं। तो फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL+F। तो अगर हम डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से CTRL+F प्रेस करेंगे तो फाइंड का ऑप्शन खुल जाएगा। अगला ऑप्शन यानी रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है CTRL+H। CTRL+H यानी कंट्रोल H प्रेस करने पर हम डायरेक्टली रिप्लेस का ऑप्शन इस्तेमाल
कर सकते हैं। CTRL प्लस जी यानी गो टू का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये शॉर्टकट कीज आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास में हमने एडिट मेन्यू कंप्लीट किया, जिसमें हमने कई सारे इम्पोर्टेंट काम करने सीखे।